अरे बाबा बागेश्वर, बाबा किसको, बाबा का मतलब पता है? वो बाबा है 26 साल का लौंडा, वो बाबा है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री फिर फंसे विवादों में। कैसे यह लड़का और लड़की बागेश्वर धाम के बाबा को बता रहे हैं चोर? लड़की का कहना है भारत सरकार बाबा को फंडिंग करती है। आइए जानते हैं पूरा सच इस वीडियो में। क्या बोलती है यह लड़की, क्यों बता रही है बाबा को गलत, क्या किया है बाबा ने इसके साथ ऐसा? मतलब होता है पहले जमाने में बाबा और महान उस इंसान को कहा जाता था जो हमारे समाज में श्रेष्ठ हो, जो जिनके पास जो सर्वगुण संपन्न हो, जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान हो। आपको क्या लगता है 26 साल में कौन सा कॉलेज से, कौन सा यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर लिया जिसके पास सबसे ज्यादा ज्ञान आ गया और बाबा बन गया? मतलब पैदा ही लिया था वो बाबा ही बनने के लिए। उनके नाम है बागेश्वर, जोड़ के बागेश्वर धाम का बेइज्जती मत कीजिए। धीरेन्द्र नाम है, धीरेन्द्र बोलिए। धीरेन्द्र बाबा बागेश्वर, बाबा बागेश्वर, बागेश्वर तो जगह का नाम है। बागेश्वर धाम को क्यों बदनाम कर रहे हैं आप लोग उसके नाम से जोड़ के? वो धीरेन्द्र शास्त्री है, बहुत बड़े भक्त है। भक्त है तो बोलते हैं कि हनुमान जी से मेरा डायरेक्ट कनेक्शन होता है। बात हो रही थी तो इतना बड़ा जो रेल हादसा हो गया उसको काहे नहीं रोका? थी उनको, आपको मालूम नहीं क्या? अच्छा, उनकी जो प्रतिक्रिया आई थी। अच्छा, कि ये रेल दुर्घटना घटी है, जिस तरह से रेल दुर्घटना घटी उनके मेरे संज्ञान में था। हाँ। लेकिन कोई आदमी अगर हमसे पूछे तब तो बताए। अच्छा, मतलब ये एग्जांपल वो भी दे रहा था कि श्री कृष्ण जी को पहले पता था कि महाभारत होने वाला, महाभारत में बुराई पे अच्छाई का अंत होने वाला था। जो रेल हादसा हुआ बाला सोरबला में, उसमें कौन बुराई पर अच्छाई का अंत होने वाला था जो नहीं बताया? वो छोटा क्यों नहीं बताया? मत बोलिए, बड़े हिंदू धर्म गुरु है आप। अभी हाल ही में बाबा का वीडियो वायरल हुआ, दिखाया आपको कैसे दो लड़की के साथ रूम में पकड़ा गया। अभी भी मेरे फोन में, क्या नाम है उस बाबा का, अभी भी मेरे फोन में वो वीडियो डाउनलोड है। गुरु जी करके कोई महंत है, दो महिला के साथ रूम में नंगे वीडियो वायरल हुआ है उसका। क्या नाम है? कुछ नाम है उसका, नाम मेरे ध्यान से स्लिप कर रहा है। नंगे वीडियो वायरल हुआ है। ऐसे ऐसे चूतिया बाबा बनते हैं जो आज के डेट में लड़कियों का शोषण करके, और ये बोलता है कि जो लड़कियों के मांग में मंगलसूत्र नहीं हो गले में, जिसके मांग में सिंदूर नहीं हो, वो खाली प्लॉट है। मतलब मेरे भारत की जितनी भी कुमारी लड़कियां वो खाली प्लॉट है, जो चाहे उसको रजिस्ट्रेशन। मेरे सामने होता था मेरा जूता से उसको इतना जूता मारते हैं कि उसका हुलिया बिगाड़ देते हैं सीधा। वैसे इतना ही है तो भारत में इतना सारा जो पीएमसीएच एनएमसीएच एम्स बनाया हुआ है बंद कर दिया जाए। भारत सरकार करोड़ों का फंडिंग क्यों करता, करोड़ों रुपया क्यों खर्चा करता है, वही सबका इलाज करते बैठ के? लेकिन उनकी जब सभा होती है उसमें ज्यादातर महिलाएं बहने हमारी हिंदू धर्म की महिलाएं इसलिए जाती हैं कि वो महिलाएं बहने को घर में बेरोजगारी है, घर में काम धंधा नहीं है, खाना बनाने के पास खाली टाइम किसी के पास रहता है तो लोग टाइम पास करने के लिए चले जाते हैं। तो वहाँ पे वो महिलाएं टाइम पास करने चली जाती हैं कि वहाँ कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, लेकिन वो ढोंगी वो भी अच्छा नहीं दे पाता है। और उसको तो बाबा बोलिए ही मत नहीं, किस हिसाब से आप बाबा बोलते हैं? अच्छा भाई, आपकी बहन खाली प्लॉट है जिसका शादी नहीं हुआ है। अगर आपकी बहन को कोई बोले कि आपकी जिस बहन की शादी नहीं हुई खाली प्लॉट है, कोई भी रजिस्ट्री कर सकता है, क्या करिएगा उसके साथ? नहीं, अगर आप पे आए क्या करिएगा? अगर आपको कोई बोले कि आपकी जो कुमारी बहन है जिसके माथे में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है, उसको कोई भी रजिस्ट्री करवा सकता है, उस समय आप उसको क्या कीजिएगा? क्या करें, उसे से मारेंगे उसको? ये जनता खुद एक एक जनता से आप पूछ लीजिए। आप शुरू में इंट्रो दे रहे हैं, बहन को बोलेंगे भाई ये खाली इसके पास मंगलसूत्र नहीं पहने, खाली बागेश्वर का नाम सुने? हाँ, वो बहुत बड़े ज्ञानी है। ये सुनते हुए बोले हैं, वो भी बोल रहे थे क्या? ये ढोंगे हैं, ढोंगे। आपके आपके हनोनी घटना होने से पहले बता, कुछ नहीं बताता वो, नहीं तो गलत बात है। पूछने के बाद ही बोल रहे हैं कि जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, जिसके गला में मंगलसूत्र नहीं है, वो खाली प्लॉट है। ये कौन पूछने गया था? उसकी बहन पूछने गई थी, उसकी मौसी पूछने गई थी जब बोल रहा है ऐसी बात? फिर जब जानकारी है फिर बागेश्वर, जब आप शुरू किया है ना, उसी टाइम हम बोलते हैं कि दो चीज उसके नाम क्या है, बाबा और बागेश्वर। धीरेन्द्र नाम है, धीरेन्द्र नाम को संबोधित कीजिए, उसके नाम को आगे बागेश्वर लगा के बागेश्वर धाम का बेइज्जती मत कीजिए। हाँ। लेकिन हिंदू धर्म के बहुत बड़े धर्म प्रचारक हैं। अरे वैसा वैसा धर्म प्रचारक राम रहीम थे, नजर आ रहे हैं, नजर आ रहे हैं। आसाराम बापू भी थे, नजर आ रहे हैं। निर्मल बाबा भी थे, गुरु माँ भी थी, सब जेल में चक्की का है पिस रहे हैं। बहुत बड़का बड़का बाबा थे और बहुत ज्यादा बाबा नहीं जाएंगे सब कुछ। क्या बात कर रहे हैं आप? गारंटी के साथ लिख लीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर ये बाबा भी चक्की पिस रहा होगा जेल में। आप हमसे लिख लीजिए, हम लिख देते हैं आपको। जिसका भाई बुलाता है कन्या, गरीब कन्याओं को शादी करने, गोली के बंदूक के बल पे उसका जबरन शादी दलित बस्ती में जाकर, आपको नहीं लगता है 5 साल के अंदर जेल में चक्की पिस रहा होगा? संस्कार देगा ना जी अपने घर में? पहले अगर हम अच्छे हैं तो मेरा पहला धर्म है अपने घर को अच्छा करना। पहले मेरा घर में गंदगी रहेगा, हम चलेंगे दुनिया के घर को साफ करने के लिए। दूसरे का घर साफ करने से पहले अपने घर की गंदगी साफ करनी चाहिए। लोगों को ऑटोमेटिक पूरा घर साफ हो जाएगा, पूरा दुनिया साफ हो जाएगा। आप यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आए हैं, मीडियाबाजी करने आए हैं? बागा बाबा सर, पूरे किसी मीडियाबाजी क्या पता क्या? हम लोग विधायक सुनने आए हैं, पार्टी किसी पार्टिकुलर पर्सन के लिए तो नहीं बोले हैं वो, किसी पार्टिकुलर, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी कन्या के लिए, पूरी लड़कियों के लिए बोले। आपकी बहन है, हैं कुमारी की शादी है, शादी शुदा आपकी भी बहन है भाई? मैं तो बोल दिया आपकी बहन है, आपकी बहन है। मैं बाबा बागेश्वर की भी बहन होगी, उसके लिए तो मेरा रजिस्ट्री करवाने चाहिए, उसका बहन का प्लॉट खाली है। एक मिनट और बोले, धीरेन्द्र शास्त्री हिंदू राष्ट्र का मांग कर रहा है, जिसका आरती उतारने गया कौन? बीजेपी का सांसद मनोज तिवारी, मोदी जी उनके परम, गाड़ी चलाएंगे मोदी जी, एक मिनट, मोदी जी उनके परम भक्त, अमित शाह उनके परम भक्त, बीजेपी के जितने नेता उनके परम भक्त, हिंदू राष्ट्र मांग किससे रहा? छोटा प्रधानमंत्री खुद नहीं दे देगा अगर आज, एक मिनट अगर आज प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र घोषित कर दे तो भारत की जनता रोकर एक्सेप्ट करे, चाहे हंसकर एक्सेप्ट करे, एक्सेप्ट करेगी। मांग किससे रहा है वो छोटा? मांग किससे रहा है कि हिंदू राष्ट्र तुम घोषित करो? पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ गुमराह कर रहा, बेवकूफ बना रहा। जो हम लोग, हम डिजिटल मीडिया वाले लोग ये नहीं होने देंगे, क्योंकि हम उसके दल्ले नहीं हैं। अच्छा।